बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 4 है, जो कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्लस लॉ के हवाले से है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, और ये चार्लस लॉ के ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से ही हमें प्रूव कर पाएंगे कि एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर कैसे हम हासिल कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन जीरो केल्विन टेम्परेचर एप्स फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो मीन जीरो केल्विन टेम्परेचर। डेरिवेशन का मतलब डिराइव करना, उसको जो है फाइंड आउट करना, उसको प्रूव करना कि वाकई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो से मुराद जीरो केल्विन टेम्परेचर होगा। इसको हम अब समझते हैं कैसे ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम डिराइव कर सकते हैं। There is a quantitative definition of Charles' law. It is used to derive the absolute zero of temperature. Charles' law की एक quantitative definition है, मिकदारी definition. This definition, ये जो definition है ये board के exam में short question के तौर पर आ चुकी हुई है। This definition has appeared in board exams, final exam as short question. इट इज़ यूज टू डिराइव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। ये जो क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन है इससे हम एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर वो हम मालूम करते हैं। वट इज द क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन, हेयर इज द क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन। ये क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन देखें, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ गैस का वो बढ़ता भी है और कम भी होता है। बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम और एट 0°C। कितना बढ़ता है वॉल्यूम में, कितना कम होता है, हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीज और हाउ मच वॉल्यूम डिक्रीज, इट इज इक्वल टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0°C मल्टीप्लाई बाई 1/273। दैट इज द अमाउंट ऑफ दी वॉल्यूम दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो ओरिजिनल वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/273 से, जो आंसर आएगा उतना वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या कम होगा। कब? फॉर एवरी 1°C राइज और फॉल इन टेम्परेचर। जब भी आप 1°C टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का इतने गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब भी फॉल का मतलब कम करना, जब भी आप टेम्परेचर कम करेंगे 1°C तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को 1/273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये कॉन्स्टेंट इसको छोड़ दें, एट द गिवन मास ये भी कॉन्स्टेंट है इसको भी छोड़ दें। आप इसे पढ़ें, ये जो रेड लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है सारा कुछ, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। गैस का वॉल्यूम बढ़ता भी है और कम भी होता है। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को 1/273 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना वॉल्यूम बढ़ेगा या इतना वॉल्यूम कम होगा। कब? फॉर एवरी 1°C राइज, जब भी आप 1°C टेम्परेचर बढ़ाएंगे और फॉल, या जब भी आप 1°C टेम्परेचर कम करेंगे। जब आप 1°C टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 गुना जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 1°C तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 गुना जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एट 0°C द वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन इज 546 cm³। 0°C पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 546 cm³ होगा। 546 इज कॉल्ड ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम होगा एंड इज ट्वाइस ऑफ 273 cm³। ये 273 का डबल है, इट इज द डबल ऑफ 273 cm³। इट इज स्पोज वैल्यू, 546 cm³ इज स्पोज वैल्यू। इट मेक्स द अबव स्टेटमेंट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है उसको समझने में बहुत आसान बना देगा। द
देयर इज ए जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर. एक इक्वेशन है गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी जब टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, कैसे मालूम कर सकते हैं हम. दिस इक्वेशन इज डिवेलप फ्रॉम द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. ये जो इक्वेशन हम देखेंगे ये चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो ऊपर दी गई है इस डेफिनेशन से डिवेलप की गई है. इक्वेशन क्या है ये देखें, इक्वेशन है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट या वी जीरो, जो है वी जीरो भी कह सकते हैं वी नॉट भी कह सकते हैं, वी जीरो इंटू मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टी बाई 273, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ये इक्वेशन है हमारे पास. इस इक्वेशन में आप किसी भी टेम्परेचर टी पर, टेम्परेचर टी आपकी मर्जी का होगा 20, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी आप रखना चाहें, किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं क्या होगा. यहाँ पे वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी पर गैस का वॉल्यूम. और वी नॉट क्या है, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वी नॉट की वैल्यू 546 सेंटीमीटर क्यूब होगी. और टी क्या है, टी टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होगा टी जो होगा. अब कैलकुलेशन करते हैं कुछ. ए गैस इज हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अब एक गैस का टेम्परेचर हमने बढ़ाया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड. द ओरिजिनल वॉल्यूम 5, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है 546 सेंटीमीटर क्यूब, इंक्रीज कर दे, कितना इंक्रीज करेगा. द न्यू वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. हमने क्या पढ़ा था, जब एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1/273 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, उतना वॉल्यूम जो आंसर होगा वो उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा. एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 546 सेंटीमीटर क्यूब, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा कितना, बाई 1/273, यानी कि आप 546 ओरिजिनल वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/273 से, आंसर आएगा 2. अब आप जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 इसमें 2 ऐड कर देंगे, आपके पास नया वॉल्यूम आ जाएगा. ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये जो वॉल्यूम आपने हासिल किया है 546 को में 2 ऐड करके, ये जो वॉल्यूम है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम होगा. और ये 546 जीरो पर ये वॉल्यूम है. इट मीन्स द ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर. देखिए ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 546 प्लस 2 548 सेंटीमीटर क्यूब. 1 पर 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है. और 10 पर कितना इंक्रीज होगा, 10 पर कितना इंक्रीज होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज होगा. 1 पर 2 सेंटीमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेंटीमीटर, तो आप 546 में 20 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 566 सेंटीमीटर. 100 पे कितना होगा, 100 पे 200 हो जाएगा. देखिए ना, 1 पे 2, 10 पे 20, 100 पे 200, तो कितना हो जाएगा 546 प्लस 200 इज इक्वल टू 748 सेंटीमीटर क्यूब, 746 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये 48 नहीं है, 746 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो आप देख रहे हैं यहां पे वॉल्यूम, देखें 10 पे हो गया 566 और 100 पे हो गया 746 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये वॉल्यूम में इंक्रीज, ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक नहीं है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखें टी वन पे कितना है ये टेम्परेचर, टी वन ले आप इसको, टी वन टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है 566 वी वन. और टी टू पे कितना टेम्परेचर है, टी टू टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम है 746 सेंटीमीटर क्यूब, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो 566 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम टी टू पर 746 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू
वैल्यू पुट करें, वी वन था हमारे पास 566 सेंटीमीटर क्यूब और टी वन था 10 डिग्री सेंटीग्रेड और वी टू है 746 सेंटीमीटर क्यूब और टी टू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पुट करें, आपको नज़र साफ वाजिया नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वेशन की जो साइड है ये इक्वल नहीं है, टू साइड ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल। सो चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबे ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर लेंगे, चार्ल्स लॉ विल नॉट बी ओबे, चार्ल्स लॉ पैरवी नहीं करेगा उसकी, तो चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं होगा। चार्ल्स लॉ विल नॉट बी प्रूव व्हेन यू टेक टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। फॉर दिस रीजन ए न्यू स्केल इज डिवेलप, इस रीजन के लिए एक नया स्केल डिवेलप किया गया है। इट स्टार्ट फ्रॉम -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर प्रिसाइजली -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज कॉल्ड 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0। एक नया टेम्परेचर डिवेलप किया गया है, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, मोर प्रॉपरली -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। इस -273 टेम्परेचर को 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। द न्यू स्केल इज डिवेलप बाई प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वेरिएबल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ चार्ल्स लॉ। तो नया स्केल कैसे डिवेलप करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है ग्राफ जो प्लाट करके। तो आप देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी, देखते हैं चार्ल्स लॉ की। फॉर एन आइडियल गैस ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। ये टेम्परेचर हमने लिया है, टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में वाई एक्सिस पे लिया है। एक जो लाइन हमें इसमें हमें इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, इससे हमें सीधी लाइन मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन देखें यहाँ पे कट कर रही है, ये कट कर रही है, टेम्परेचर कौन सा है, ये -200 और -300 के दरमियान टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर कितना है, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है यहाँ पर। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है एंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0, इसको एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम 0, ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं वो जो ऊपर डाटा हमने इस्तेमाल किया था और चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रही थी, ओबे नहीं हो रहा था चार्ल्स लॉ, उसको हम देखते हैं। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल, द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल इज गिवन एज। आप सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 10 में 273 ऐड करें, ये 283 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम कितना था इस पर 566 सेंटीमीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करें, ये हो जाएगा 373 केल्विन और वॉल्यूम कितना था इस पर 746 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, वैल्यू पुट करें, ये जो है टेम्परेचर है हमारे पास 283 ये 283 यहाँ पर 373 और ये वॉल्यूम है ऊपर 566 और 766, दोनों जो साइड हैं इक्वल हैं और 2 के भी इक्वल हैं ये दोनों। तो ये चार्ल्स लॉ प्रूव हो जाता है जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेंगे, जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेंगे तो जो चार्ल्स लॉ है ये प्रूव हो जाएगा और दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब हम आते हैं यही जो ग्राफ रियल गैसेस के लिए, फॉर रियल गैसेस टू गेट द टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड द ग्राफ इज एक्सट्रापोलेटेड। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, अच्छा आप देखें ग्राफ को यहां से यहां तक, इस जगह तक सॉलिड लाइन है, आगे ये देखें डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये डॉटेड लाइन क्यों है, डॉटेड इसलिए है कि यहाँ इस टेम्परेचर से पहले -200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी पहले टेम्परेचर पर जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है या सॉलिड में टेम्परेचर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे लाइन को फर्जी तौर पर आगे बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना, लाइन को फर्जी तौर पर
यानी कि आप लाइन, ये सीधी लाइन आपके पास आ रही है, आप लाइन को फर्जी तौर पर सपोज वैल्यू के साथ सपोज करके आगे बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं एक्सट्रापोलेट करना। तो ये एक्सट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पर आकर टच करेगी, यानी कि लाइन यहाँ तक रुक जाएगी आकर इस पॉइंट पर। ये नीचे लाइन आपने एक्सट्रापोलेट किया है, फर्जी तौर पर आपने इसको आगे बढ़ाया है। एक्चुअली ऑल गैसेस आर कन्वर्टेड टू लिक्विड और सॉलिड बिफोर दिस टेम्परेचर, दैट इज वाई जीरो केल्विन इज अनअटेनेबल। यही वजह है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर हासिल हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट अटेन जीरो केल्विन टेम्परेचर, आप जीरो केल्विन टेम्परेचर हासिल नहीं कर सकते। इस टेम्परेचर से पहले या तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है या गैस सॉलिड में तब्दील हो जाती है। एक तो वजह ये है, दूसरी वजह क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी अटेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, जब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। लेकिन आपको पता है गैस के तो मालिक्यूल होते हैं, वॉल्यूम तो जीरो हो ही नहीं सकता, या तो मालिक्यूल ही खत्म हो जाए फिर वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि गैस के मालिक्यूल खत्म नहीं होते, गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। सो द एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, जो एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम वो अनअटेनेबल है। इट मीन्स दी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर हमारे पास है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो सर्द तरीन जिसे आप कहेंगे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा, इससे ठंडा टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये दो इसके पास हमारे पास ये जो है रीज़न है कि हम एब्सोल्यूट जीरो क्यों नहीं हासिल कर सकते। दो वजूहत हैं इसकी, या तो गैस पहले लिक्विड में चेंज हो जाती है सॉलिड में, या वो जीरो केल्विन जो है वो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। वॉल्यूम जीरो नहीं होगा तो टेम्परेचर भी जीरो केल्विन नहीं होगा। अब राइट द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये दी हुई है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये चार्ल्स लॉ की लिखेंगे, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। वाई जीरो केल्विन टेम्परेचर इज अनअटेनेबल अटेनेबल फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैसेस के लिए जीरो केल्विन टेम्परेचर अनअटेनेबल क्यों होता है, तो वो ये होगी यहां तक लिखेंगे अनअटेनेबल तक, यहां तक लिखेंगे तीन दो ये लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।